फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डिंपल कुमावत। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस कैप्सिकम और पोटैटो का ड्राई सब्जी। ग्रीन कैप्सिकम और पोटैटो साथ में बहुत ही सुंदर दिखते हैं, साथ में वो बहुत टेस्टी भी लगते हैं। क्योंकि ये ड्राई रेसिपी है तो आप इसे आसानी से लंच बॉक्स के लिए यूज कर सकती हैं। दाल चावल के साथ भी आप इसे एज अ ड्राई सब्जी यूज कर सकती हैं। मुझे यह पराठों के साथ बहुत पसंद है, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सब्जी बनाने के लिए हम लेंगे 3 उबले मैश किए हुए आलू, 3 कटी हुई शिमला मिर्च, 2 टीस्पून सौंफ, 3 से 4 कटी हुई ग्रीन चिली, 6 से 7 करी लीव्स। मसालों में हम लोग लेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। सब्जी बनाने के लिए हम एक पैन में 3 टीस्पून ऑयल डालेंगे और उसे गरम होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाता है तब उसमें सौंफ डालेंगे और अच्छे से पकने देंगे। जब सौंफ पक जाती है तब उसमें हम लोग करी लीव्स डालेंगे। उसके बाद हम लोग कटी हुई ग्रीन चिली डालेंगे और अच्छे से पकाएंगे। अब उसमें हम लोग शिमला मिर्च ऐड करेंगे और उसे 3 से 4 मिनट बिना ढके हुए पकाएंगे। शिमला मिर्च को हम लोग बीच बीच में हिलाते रहेंगे, नहीं तो वो कढ़ाई में नीचे चिपक जाएगी। अब देखिए, हमारी शिमला मिर्च पूरी पककर रेडी हो गई है। अब इसमें हम लोग आलू ऐड करेंगे। मसाले ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। बड़े बड़े आलूओं को कढ़ाई में ही चम्मच से मैश कर देंगे और ढककर 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे। अब कढ़ाई का ढक्कन ओपन करेंगे। देखिए, ये सब्जी हमारा बनके रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर जाकर जरूर क्लिक करिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सारे अपडेट्स मिलते रहें।